नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिकवाल ऑनलाइन हब में। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं के बारे में। आज अपन राजस्थान की छोटी छोटी सी सभ्यताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। इस पार्ट में हमारी राजस्थान की लगभग सारी सभ्यताएं पूर्ण हो जाएगी। तो देखिएगा साथियों, आज की जो हमारी सभ्यता रहने वाली है उस सभ्यता का नाम है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता देखिएगा बेटा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं गिलुंड सभ्यता के बारे में, तो ये गिलुंड जो सभ्यता है, ये सभ्यता है कहां पे, इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, इस सभ्यता से हमें कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं, इस किस सभ्यता यह सभ्यता किस नदी के किनारे है, ये सारी बातें एक बार अपने समझनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस सभ्यता की जो है ना, इस सभ्यता का स्थल कहां पे खोजा गया, स्थल कहां से इस सभ्यता का स्थल खोजा गया, फिर बाद में इस सभ्यता की खोज कब हुई, इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन रहे हैं, सभ्यता अपने को किस नदी के किनारे मिली, ये तो अपने को उसके बेसिक बेसिक तथ्य हो गए जिनसे संबंधित अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर अपन बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या रहती है, तो देखो एक बार आप सभी, तो देखो बेटा सबसे पहले अपन बात करें कि सभ्यता की, गिलुंड सभ्यता की, गिलुंड सभ्यता जो अपने को मिली है ये कहां से मिली है, तो ये अपने को खोजी गई है राजसमंद से। गिलुंड सभ्यता की खोज कहां से की गई बेटा, तो इसकी खोज की गई राजसमंद से। फिर अगर अपन बात करें इसकी खोज हुई कब, तो इसकी खोज की गई थी 1957 ईस्वी में अपने गिलुंड सभ्यता की खोज की गई थी। खोजकर्ता की अगर अपन बात करें, तो इसके खोजकर्ता हैं बी वी लाल, यानी जिसे अपन कह सकते हैं ब्रजवासी लाल। अगर अपन नदी की बात करें कि किस नदी के किनारे हुआ करती है, तो यह सभ्यता अपने बनास नदी के किनारे, किस नदी के किनारे बेटा, बनास नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई थी। अगर अपने से नदी पूछ ले तो नदी कौन सी हो जाएगी, अपने बनास नदी। गिलुंड सभ्यता जो है, गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है, जिसकी खोज 1957 में की गई थी बीवी लाल या ब्रजवासी लाल द्वारा की गई थी, और किस नदी के किनारे है, तो ये अपने बनास नदी के किनारे हुआ करती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है, अगर अपनी सभ्यता की विशेषता के बारे में पढ़ें, तो अपने को यहां से दो विशेषताएं याद रखनी है। एक तो यहां से भी अपने को किसके अवशेष मिले, तांबे के, यानी कि तांबे के अवशेष मिले, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए ताम्रवती सभ्यता। इसलिए ये कैसी सभ्यता हो जाएगी बेटा, ताम्रवती सभ्यता है, यानी यहां से अपने को किसके अवशेष मिल रहे हैं, तांबे के अवशेष मिल रहे हैं, इसलिए इसको अपन कौन सी सभ्यता कह सकते हैं, ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। फिर अगर अपन और बात करें कि और अपन इसके बारे में क्या जानकारी रखनी है, तो एक बात और याद रखनी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है, मतलब ग्रामीण सभ्यता से आसे, क्योंकि यहां से जो भी प्रमाण मिले वो नगरों जैसे प्रमाण न मिलके, कैसे प्रमाण मिले अपने को, ग्रामीण परिवेश जैसे हमें प्रमाण मिलते, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। यहां से जो मकान जो मिले यहां पर, उन मकानों का आकार क्या रहा, तो मकान 100x80 के विशाल मकान मिले। यहां से जो मकान मिले वो विशाल मकान कितने आकृति के मिले, तो 100x80 के मकान है। यहां से जो अपने को मकान मिले, उन मकानों का आकार क्या रहा, अपने 100x80 का। इसके अलावा यहां से भी मृद भांड मिले। ये तो अपनी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं होगी, जो अपने को सभ्यता से संबंधित जो भी जानकारी है वो जानकारी अपने से पूछी जाएगी। तो इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं अगर एक बात और करूं आपसे, तो एक चीज अपने और याद रखना कि गिलुंड जो है, गिलुंड सोजत की तरह मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। गिलुंड सोजत की भांति मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
अगर अपने से पूछ ले कि गिलुंड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गिलुंड भी किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी के लिए अपने वैसे तो सोजत पाली प्रसिद्ध है, लेकिन गिलुंड भी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मेहंदी उत्पादन के लिए। वापस देख लीजिएगा, गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में, खोज 1957 में, खोजकर्ता बीवी लाल या ब्रजवासी लाल, नदी अपने से पूछ ले तो बनास नदी, इस सभ्यता की विशेषता क्या है, तो तांबे के अवशेष मिले, इसलिए इसे ताम्रवती सभ्यता कहते हैं। ये एक ग्रामीण सभ्यता है, यहां से जो मकान मिला उसका आकार क्या है, तो 100x80 का विशाल मकान मिला। यहां से भी मृद भांड मिले। इसके अलावा याद रखना कि गिलुंड जो है ना बेटा, गिलुंड की भांति, गिलुंड भी सोजत की भांति मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें अगली सभ्यता, तो अगली सभ्यता अपनी कौन सी रहने वाली है, बालाथल, बालाथल सभ्यता, थोड़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, इनसे काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं अपने बालाथल सभ्यता से। अगर अपन बालाथल सभ्यता की बात करें, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना कि यह स्थल कहां से खोजा गया, ये जो स्थल है बालाथल सभ्यता का, यह स्थल कहां से खोजा गया। दूसरी बात आपको मेन याद रखनी है कि किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन रहे हैं, खोजकर्ता कौन रहे हैं, और इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है बेटा, उत्खननकर्ता। ये अपने कुछ बातें हैं इस सभ्यता से संबंधित जो अपने को याद रखनी है, कि इसकी खोज कब हुई, नदी कहां पर है, और खोज कब की गई थी, उत्खननकर्ता कौन है, ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं स्थल की बात करूं, इस सभ्यता का स्थल जो है ना बेटा, इस सभ्यता का स्थल, बालाथल का स्थल, इनका स्थल कहां पे है, तो इस सभ्यता का स्थल हो जाएगा अपने उदयपुर। ये सभ्यता कहां से खोजी गई, उदयपुर से। अगर अपने से नदी पूछ ले, तो ये नदी किस नदी के किनारे मिली, तो बेड़च नदी के किनारे, नदी पूछे तो अपने ये सभ्यता बेड़च नदी के किनारे खोजी गई। अगर अपन खोजकर्ता की बात करें कि इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो इस सभ्यता की खोज की गई थी 1962 में। सभ्यता की खोज कब की गई थी, 1962 में इस सभ्यता की खोज की गई थी बेटा। अगर मैं खोजकर्ता की बात करूं, तो वो कौन हो जाएंगे, वी एन मिश्र यानी कि वीरेंद्रनाथ मिश्र, इनके द्वारा क्या किया गया था, इस सभ्यता की खोज की गई थी। अगर उत्खननकर्ता की बात करें, तो वो हो जाएंगे आर के मोहंत और ललित, आर के मोहंत, एक तो हो जाएंगे अपने आर के मोहंत, और दूसरे हो जाएंगे अपने ललित पांडे, एक हो जाएंगे बेटा ललित पांडे। ये यहां पर क्या करने वाले व्यक्ति थे, उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे। और इसके अलावा वी एस शिंदे, एक नाम और याद रख लेना उत्खनन में, वी एस शिंदे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य किया था। वापस देख लीजिएगा, स्थल कहां पे, उदयपुर में। नदी कौन सी है, बेड़च। खोज कब हुई, 1962। खोजकर्ता कौन है, वी एन मिश्र। उत्खननकर्ता कौन है, आर के मोहंत, ललित पांडे, वी एस शिंदे। ये यहां पर क्या करने वाले व्यक्ति है, तो ये सभी के सभी यहां पर उत्खनन का कार्य करने वाले व्यक्ति है। अब हम अभी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इस सभ्यता की मेन विशेषताएं क्या है। अपन देखते हैं कि बालाथल जो सभ्यता है, इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या रही हैं, इस सभ्यता की मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो देखो बेटा, यहां से जो ना, यहां से पशुपालन के साथ कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि पशुपालन के साथ साथ कृषि करने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि यहां के व्यक्ति क्या करते थे, पशुओं का पालन करते थे, लेकिन पशुओं का जो पालन करते थे उनके साथ साथ और कौन सा कार्य करते थे, तो कृषि कार्य करते थे। ये यहां के व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। बालाथल का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन, और पशुपालन के साथ और क्या हो जाएगा बेटा, तो कृषि कार्य। ये यहां के लोगों का क्या हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। फिर अगर अपन देखें कि यहां से जो ना मृद भांड मिले, और मृद भांड दो प्रकार के मिले, यहां से मृद भांड दो प्रकार के थे
यानी कि यहां से जो अपने को मृद पाठ मिले वो कितने प्रकार के थे बेटा? दो प्रकार के थे। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो समझेगा, यहां से जो मृद पाठ मिले वो दो प्रकार के थे। एक तो थे अपने परिष्कृत मृद पाठ, एक तो कौन से हो जाएंगे? परिष्कृत मृद पाठ यानी कि अच्छे से पक्के हुए मृद पाठ। एक तो हो जाएंगे अपने परिष्कृत मृद पाठ यानी कि अच्छे से पके हुए मटके, और दूसरे हो जाएंगे अपरिष्कृत मृद पाठ यानी कि कच्ची मिट्टी से निर्मित कच्चे मटके, जिनके न कोई रंग हो रखा है न कोई ऐसी कोई विशेषता है। यानी एक तो कच्चे मटके मिले और एक पक्के हुए मटके मिले। तो यानी कि ये जो सभ्यता है, यहां से अगर मटकों की बात करें तो अपने को कैसे मटके प्राप्त हुए? दो प्रकार के। और जो दो प्रकार के मटके मिले वो कौन कौन से? परिष्कृत मृद पाठ और अपरिष्कृत मृद पाठ। ये अपने को इस सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर अगर अपन और आगे देखें, वापिस देख लीजिएगा, बालाथल उदयपुर में नदी बेड़च नदी खोज 1962 में, खोजकर्ता वी एन मिश्र, उत्खननकर्ता आर के मोहंत, ललित पांडे और वी एस सिंधे। यहां से मुख्य रूप से क्या मिला? यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य करना। यहां से मिले मृद पाठ दो प्रकार के थे, परिष्कृत मृद पाठ अपरिष्कृत मृद पाठ। फिर अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सभ्यता से और हमारे को क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखो बेटा, इस सभ्यता का उत्खनन 22 परतों में किया गया, मेन लाइन। इस सभ्यता का उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन वेरी इंपॉर्टेंट, 22 परतों में किया गया, 22 परतों में किया गया। याद रखना बेटा, इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया है वो उत्खनन कितनी परतों में किया गया? अपने 22 परतों में। कौन सी सभ्यता का उत्खनन 22 परतों में किया गया? तो अपने जो ना इस सभ्यता का, यानी कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन 22 परतों में किया गया। फिर अगर अपने से पूछे और, तो यहां से 11 कमरों का मकान मिला। यहां से अपने को क्या मिला? 11 कमरों का एक विशाल मकान मिला, जो दर्शाता है कि यहां पर कैसे परिवार रहे होंगे। यहां पर जो है, यहां पर संयुक्त परिवार रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके अलावा यहां से पूछे तो बैल वे कुत्ते की मृत मूर्तियां मिली, बैल वे कुत्ते की मृण मूर्तियां यहां से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब यहां के लोग बैल वे कुत्ते को पालते रहे होंगे। यहां से बैल वे कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली। यहां से बैल वे कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली, और एक मूर्ति तो बड़े सांड की प्राप्त हुई। एक मूर्ति तो क्या मिली? एक मूर्ति बड़े सांड की, एक मूर्ति बड़े सांड, सांड का मतलब बैल को कहते हैं, सांड की मिली। इसका मतलब यहां के लोग बेलों का बहुत ज्यादा महत्व रहा होगा, बेलों को बहुत कुछ समझते रहे होंगे। फिर ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में और क्या जानकारी रखनी है? तो ध्यान रखनी रहे कि यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली। यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली। बेटा याद रखना, यहां से जो ना 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली। कहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियां मिली? तो ये अपने को मिलते हैं बालाथल से। बालाथल से क्या मिलती है? 5 लोहा गलाने की भट्टियां। बेराट की तरह यहां से भी हमें कपड़े के अवशेष मिले, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। बेराट की तरह यहां से भी कपड़े के अवशेष मिले। यानी कपड़े के अवशेष अपने को कहां से मिल रहे हैं? बेराट सभ्यता, विराटनगर सभ्यता अवशेष मिले। तो ध्यान रखना कि बेराट की तरह यहां से भी अपने को क्या मिले? कपड़े के अवशेष मिले, वेरी इंपॉर्टेंट। बेराट सभ्यता अपने जयपुर, जो अपने पिछले वीडियो में देखी थी, वहां पर भी अपने करने देखा कि कपड़े के अवशेष मिलते हैं, और कपड़े के अवशेष वैसे के वैसे अपने को और कहां से मिलते? बालाथल से। एक और बात याद रखना, यहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? मिश्रित। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था,
मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखना बेटा यहां की जो अर्थव्यवस्था है, यहां की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था अपने, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने सारी की सारी बातें किसके बारे में की, ये सारी की सारी बातें अपने बालाथल सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता का उत्खनन 22 परतों में किया गया, यहां से 11 कमरों का मकान मिला, यहां से बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली, जिसमें एक मूर्ति बड़े बैल यानी कि सांड की हुआ करती है, बेराट की तरह। यहां से भी कपड़े के अवशेष मिले, यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले। और यह सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली सभ्यता हुआ करती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहां से जो मृद भांड मिले वो 2 प्रकार के थे, परिष्कृत अपरिष्कृत। परिष्कृत का मतलब पक्के हुए, अपरिष्कृत का मतलब से मृद भांड हमारे को यहां से प्राप्त हुआ करते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी अपने को याद रखनी है, किसके बारे में हो गई बेटा, बालाथल के बारे में। अगली सभ्यता देखो अपने नौह सभ्यता। अगली सभ्यता अपनी कौन सी हो जाएगी, नौह सभ्यता। अगर अपने नौह सभ्यता के बारे में पूछे तो नौह सभ्यता को अपने ऐसे भागों में बांट दीजिए। एक तो यह सभ्यता किस स्थल में है, एक इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, एक ही सभ्यता के खोजकर्ता कौन रहे हैं, एक याद रखना आपने यह सभ्यता किस नदी के किनारे हुआ करती है, और एक आध बात इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या रही है। तो अपने को ये बातें अपने को इनके बारे में याद रखनी है। तो देखो बेटा इस सभ्यता की बात करें, यह सभ्यता किस जिले में हुआ करती है, तो यह सभ्यता अपने भरतपुर जिले में, किस जिले में, रूपारेल भरतपुर में। खोज कब की गई थी इसकी, 1963। सभ्यता कहां पे अपने भरतपुर में। खोज कब की गई थी, 1963 में इसकी खोज की गई थी। खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आरसी अग्रवाल इन्हीं के द्वारा यहां पर उत्खनन भी किया गया था। और एक थे डेविडसन, ये कौन है, तो ये अपने कैलिफोर्निया के प्रोफेसर, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय प्रोफेसर हुआ करते हैं। कौन, डेविडसन। इनका संबंध भी किस सभ्यता से है, नौ सभ्यता से। और नदी पूछ रहे थे अपने, नदी याद रखनी बेटा, रूपा रेल। कौन सी नदी के किनारे ये सभ्यता खोजी गई अपने, रूपा रेल नदी के किनारे नौह सभ्यता खोजी गई। वापस देखो, नौह सभ्यता कहां पे, भरतपुर। खोज कब की गई, 1963 में। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, आरसी अग्रवाल और डेविडसन। नदी कौन सी हो जाएगी अपने, रूपा रेल नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई। यहां से हमें क्या क्या मिलता है, तो जो महत्वपूर्ण चीजें यहां से मिली वो एक तो मिली थी अपने जोक बाबा की मूर्ति। क्या मिला बेटा, जोक बाबा की मूर्ति। यहां से गुप्त काल की जोक बाबा की मूर्ति मिली। यहां से हमें क्या मिली, एक तो जोक बाबा की मूर्ति जो किस काल की है, गुप्त काल की है। इसके अलावा और क्या याद रखना है कि यहां महाभारत से गुप्त व मौर्य काल तक के अवशेष मिले, यानी कि यहां से महाभारत और गुप्त काल के मौर्य काल तक के जो है ना अवशेष मिले, मौर्य काल तक के अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं। गुप्त काल और मौर्य काल तक के हमें अवशेष, महाभारत से लेकर यहां तक के अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले, नौह सभ्यता से मिले। देखो कितनी बढ़िया सभ्यता है, नौह सभ्यता, भरतपुर, स्थल भरतपुर में, खोज 1963 में आरसी अग्रवाल द्वारा, नदी पूछे तो अपने रूपारेल नदी के किनारे। दो बातें हैं यहां, गुप्त काल के जोग बाबा की मूर्ति मिली और महाभारत से गुप्त काल व मौर्य काल तक के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं, नौह सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत इस सभ्यता में, कोई दिक्कत नहीं होगी और दिक्कत आएगी भी नहीं, इतनी आसान सी छोटी छोटी सी सभ्यताएं हैं। अगली सभ्यता देखें तो अगली सभ्यता है ओजियाना सभ्यता। अगली सभ्यता देखिएगा बेटा, ओजियाना सभ्यता। अगर मैं बात करूं ओजियाना सभ्यता है कहां पे, तो यह सभ्यता हुआ करती है अपने भीलवाड़ा जिले में,
ओजाना सभ्यता के बारे में पूछ ले बेटा, तो ओजाना सभ्यता अपने कहां पे हुआ करती है? भीलवाड़ा जिले में, यानी कि भीलवाड़ा जिले में नदी कौन सी है, कौन सी नदी के किनारे की गई, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, कब की गई इसकी खोज और समय क्या रहा है इस सभ्यता की, दो चार बातें अपनी सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण है। एक तो अपने स्थल, एक अपने नदी, एक इसमें खोज, एक याद रखना खोजकर्ता, एक इसमें थोड़ी सी चीज याद रखना इस सभ्यता का समय, इस सभ्यता का समय काल, काल क्या रहा है। तो देखो बेटा स्थल की अगर मैं बात करूं तो ये जो सभ्यता है ये सभ्यता किस जिले में हुआ करती है, तो भीलवाड़ा जिले में। कहां पे है बेटा? भीलवाड़ा जिले में। नदी पूछ ले तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये अपने हैं कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बेटा? कोठारी नदी के किनारे। खोज करने वाले व्यक्ति कौन, खोज कब हुई इसकी, तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी अभी वर्तमान में ही सभ्यता की खोज की गई थी, 2000 ईस्वी के आसपास ही सभ्यता क्या की गई थी, खोज की गई थी। कौन खोज करने वाले थे, तो खोज करने वाले थे आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे बी आर मीणा, बी आर मीणा। इन दोनों ने यहां पर क्या की, खोज की। इस सभ्यता का समय क्या माना जाता है, तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, यह जो सभ्यता मानी जाती है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता मानी जाती है ओजाना सभ्यता। यहां से हमें क्या मिले, तो यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता की मेन जो विशेषता है वो है इस सभ्यता का उत्खनन 3 स्तर में किया गया था। इस सभ्यता का उत्खनन के आधार पर, उत्खनन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। अपने से पूछ ले कि सभ्यता को उत्खनन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया, अपने को 3 भागों में। एक तो कृषक भवन निर्माण और मृद बांध, एक तो कृषक, कृषक का मतलब, कृषक का मतलब खेती के अवशेष, एक परत से अपने को खेती के अवशेष मिले। दूसरा पूछ ले तो, दूसरा पूछ ले तो भवन निर्माण, यानी भवन निर्माण की कला, कला के अवशेष मिले। और तीसरा अगर अपने से पूछ ले तो मृद भांडों के अवशेष, मृद भांडों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। इस प्रकार क्या किया गया बेटा, इस प्रकार इस सभ्यता को क्या भागों में बांट दिया, अपने को 3 भागों में बांट दिया। छोटी सी सभ्यता अपने ओजाना सभ्यता, और ओजाना सभ्यता कहां पे, अपने भीलवाड़ा जिले में हुआ करती है। नदी पूछ ले तो कोठारी नदी के किनारे हुआ करती है। फिर अगर अपने से पूछ ले कि यह जो सभ्यता, इसके खोजकर्ता कौन थे, आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। समय की सभ्यता का क्या समय माना जाता है, तो इस सभ्यता का समय है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय। और इस सभ्यता की सबसे खास विशेषता क्या है कि इसको उत्खनन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, और 3 भाग कौन कौन से हुए करते हैं, कृषक भवन निर्माण और मृत बांध। इस प्रकार अपने को ओझाना सभ्यता के बारे में बातें याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो ओला सभ्यता, ओला सभ्यता, ओला सभ्यता। देखिएगा बेटा ओला सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता की कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है। इस सभ्यता में ना तो कोई इतना खोजकर्ता का नाम, नदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि ओला सभ्यता है कहां पे, अपने जी ओला सभ्यता खोजी गई ये है कहां पे, यहां से हमें क्या प्राप्त होता है और इसकी जो मेन विशेषता क्या है। तो देखो ओला सभ्यता अपने जैसलमेर में है बेटा, ओला सभ्यता कहां पे है, जैसलमेर में। पाषाण कालीन, यहां से क्या विशेषता मिलती है, तो एक चीज ध्यान रखना, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली, पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली। फिर अगर आपसे पूछ ले कि इस सभ्यता की और क्या विशेषता है, तो यहां से अलंकृत गुफाएं मिली, अलंकृत गुफा मिली। ये अपने ओला सभ्यता की 2-3 विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसके बाद देखते हैं चंद्रावती सभ्यता, यही देख लेते हैं अपन चंद्रावती सभ्यता।
चंद्रावती सभ्यता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता बेटा चंद्रावती सभ्यता। अगर मैं चंद्रावती सभ्यता की बात करूं तो ये चंद्रावती सभ्यता की भी वही बातें वापस एक बार मोटी मोटी बातें देख लेते हैं कि चंद्रावती सभ्यता कहां पर है, इस सभ्यता की किस नदी के किनारे है। तो देखो सबसे पहले तो चंद्रावती सभ्यता का स्थल, कि इसका जो स्थल खोजा गया था यह स्थल कहां से खोजा गया था, मेन चीज एक तो यह हो जाएगी खोज और खोजकर्ता और इसकी विशेषता। यानी खोज, खोजकर्ता और इनकी विशेषता। अगर अपन बात करें इस सभ्यता की तो इस सभ्यता की खोज बेटा ना, इस सभ्यता की स्थल जो खोजा गया ना ये कहां से खोजा गया, अपने सिरोही। इस सभ्यता का स्थल कहां से खोजा गया, सिरोही से खोजा गया। इस सभ्यता की खोज कब हुई, तो अभी 2014 में। इस सभ्यता को कब खोजा गया, चंद्रावती सभ्यता को 2014 में इस सभ्यता को खोजा गया। सबसे खास बात यह है, और खोजकर्ता कौन रहे, तो जीवनलाल खरगवाल, जीवनलाल खरगवाल। और एक याद रखना, हिंडो हितेशो, हिंडो हितेशो, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्ति द्वारा इसके क्या की गई थी, अपने खोज। खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, जीवनलाल खरगवाल और हिंडो हितेशो इस सभ्यता के खोजकर्ता हैं। यहां से क्या मिलती है, सबसे खास बात यह है कि यहां से भगवान विष्णु की गरुड़ासन मूर्ति, यहां से भगवान विष्णु की गरुड़ासन मूर्ति, गरुड़ासन मूर्ति मिली। यानी भगवान विष्णु जो है गरुड़ के ऊपर आसन किए, गरुड़ जो उनका वाहन है उसके ऊपर बैठे हुए, इस प्रकार की मूर्ति अपने को कहां से मिलती है, इस प्रकार की मूर्ति अपने को मिलती है इस सभ्यता से, चंद्रावती सभ्यता से। तो देखो बेटा अपन ने देखा इसमें ओला सभ्यता और चंद्रावती सभ्यता। ओला सभ्यता अपने कहां पे है, जैसलमेर में। चंद्रावती सभ्यता कहां पे है, तो नाम से पता चलता है कि यह सभ्यता अपने सिरोही में है। और जो यह सभ्यता है, यहां से क्या मिली, सबसे मेन चीज मिली, यहां से भगवान विष्णु की गरुड़ासन मूर्ति हमारे को प्राप्त होती है। मेन चीज आपको यहां तक याद रखना है, मेन इनके बारे में ये सारी बातें महत्वपूर्ण है बेटा। अपन थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा और देखते हैं छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में। एक सभ्यता देखेगा अपने, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, नाम से ऐसा लगेगा कि ये जोधपुर में है, लेकिन ना बाबू ना, ये जोधपुर में नहीं है। अगर आपसे पूछ लेना कि जोधपुरा सभ्यता कहां पे है, तो गलती से भी जोधपुर मत कर देना, क्योंकि ये सभ्यता कहां पे है, जयपुर में। जोधपुरा सभ्यता कहां पे है, जयपुर से। और यहां से हमारे को क्या क्या मिलता है, यहां से हमें किस किस की विशेषताएं मिलती है, तो दो तीन बातें इसमें भी आपको दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये सभ्यता स्थल कहां से खोजा गया, एक अपने को यहां से क्या मिला, और एक इनकी क्या विशेषताएं रही है। तो अगर मैं स्थल की बात करूं तो ये स्थल अपने को कहां से खोजा गया, जयपुर से। बेटा अपने जो जोधपुरा सभ्यता वाला स्थल है ये अपने को कहां से मिला, जयपुर से ये स्थल खोजा गया था। यहां से हमें क्या मिली, तो यहां से एक तो लोहा गलाने की भट्टिया, लोहा गलाने की भट्टिया, भट्टिया मिली। इसके अलावा यहां से और क्या मिला, तो गुप्त व कुषाण काल से संबंधित अवशेष, संबंधित अवशेष, यानी कि यहां से कुषाण काल में गुप्त काल से संबंधित अवशेष हमारे को यहां से प्राप्त हुए हैं। एक छोटी सी सभ्यता और है, इसके बारे में देख लीजिएगा यहीं पर, नालियासर, नालियासर सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं, नालियासर सभ्यता। बेटा ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, वन लाइन की सभ्यताएं हैं, इनकी ज्यादा विशेषताएं हैं नहीं। जो बड़ी बड़ी विशेषताएं थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अगली देखिएगा अपने छोटी सी सभ्यता, एक नालियासर सभ्यता, कि यहां से हमें क्या मिलता है, यानी कि यहां से क्या क्या मिली, दो तीन बातें इसमें भी आपको तीन बातें याद रखनी है। स्थल, तो स्थल हो जाएगा अपना जयपुर। कहां से सभ्यता की खोज की गई, जयपुर से। इसके अलावा क्या मिले यहां से, तो प्रतिहार कालीन मंदिर,
प्रतिहार कालीन मंदिर यहां से मिले। इसके अलावा पूछ ले तो नृत्य करती हुई मूर्ति, ऐसे कह सकते हैं नृत्यांगना की मूर्ति, नृत्यांगना की मूर्ति अपने को कहां से मिलती है तो नृत्यांगना की मूर्ति अपने को नालियासर से मिलती है। तो ये दो सभ्यताएं अपनी हो गई, और जोधपुरा सभ्यता और नालियासर सभ्यता। नालियासर सभ्यता से अपने को तीन बातें याद रखनी है कि ये जयपुर में है, प्रतिहार कालीन मंदिर मिले, नृत्य करती हुई नृत्यांगना की मूर्ति। जोधपुरा सभ्यता पूछे दो बातें याद रखनी है, ये सभ्यता जयपुर में है, लोहा गलाने की भट्टिया मिली, गुप्त व कुषाण काल से संबंधित अवशेष मिले। याद रह जाएगा आपको सारी बातें। अगली सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता है, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहां से, और ये है अपने रंग महल, रंग महल सभ्यता। अगर मैं रंग महल सभ्यता की बात करूं तो वही कि यह सभ्यता अपने को कहां से मिली, नदी कौन सी थी, उत्खनन कब हुआ और उत्खनन करता कौन है, स्थल अपने को कहां से मिलता है, तो इस सभ्यता का स्थल जो है वो है हनुमानगढ़। यह सभ्यता अपने को कहां से मिली, हनुमानगढ़ से। फिर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस सभ्यता का स्थल हनुमानगढ़ हो गया, इस सभ्यता की खोज कब की गई, तो इस सभ्यता की खोज हुई थी 1952। इस सभ्यता की खोज कब हुई, 1952। इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन रहे हैं, तो वो रहे स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्नारिड, डॉक्टर हन्नारिड। और इनका संबंध कहां से है, तो यह है स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता। और फिर आपसे इसके बारे में नदी पूछ ले तो अपने नदी बता देनी है बेटा, गग्गर। कौन सी नदी के किनारे यह सभ्यता मिली, गग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता अपने को मिली। इस सभ्यता की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या रही है, इस सभ्यता की अपनी मुख्य रूप से विशेषताएं क्या रही है, अगर अपने से विशेषता से संबंधित पूछ ले कि अपने जो ये रंग महल सभ्यता है, इस रंग महल सभ्यता की मुख्य रूप से क्या क्या विशेषताएं रही है जो अपने को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो अपने को विशेषता देखिएगा बेटा। अगर अपने से विशेषता पूछी जाए तो विशेषता में एक तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के काल के यहां से सिक्के मिले जो पंचमार्ग सिक्के यानी कि चांदी से निर्मित। कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय के काल से संबंधित सिक्के प्राप्त हुए, जो सिक्के क्या कहलाते हैं अपने, पंचमार्ग सिक्के। जब मैं आगे सिक्के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, पंचमार्ग सिक्के। और अपने को यहां से क्या मिलता है, तो यहां से 105 तांबे के सिक्के मिले, 105 तांबे के सिक्के यहां से मिले। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है यहां से, तो इसके अलावा जो मुख्य जानकारी मिलती है यहां से, गुरु व शिष्य की मूर्ति, गुरु व शिष्य की मूर्ति, गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली। यहां से क्या मिला बेटा, गुरु व शिष्य की मूर्ति के अवशेष हमारे को इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, यानी गुरु व शिष्य की मूर्ति भी हमारे को कहां से मिलती, यहां से। और एक घंटाकार घड़े की आकृति मिली, एक बात याद रखना, यहां से जले हुए चावल के अवशेष मिले, जले हुए चावल के अवशेष मिले। यह अपने किस सभ्यता के बारे में है, तो रंग महल। एक बात और याद रख लेना, यहां से घंटा की आकृति के मटके मिले, घंटे की आकृति के मटके मिले। ये अपने को मुख्य रूप से रंग महल के बारे में बातें याद रखनी है।
कौन सी सभ्यता की बात हो गई? रंग महल सभ्यता की बात। रंग महल के बारे में वापस देख लो, स्थल हनुमानगढ़ में, खोज 1952 में, खोजकर्ता हेनारेड, हेनारेड का संबंध स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता है, नदी पूछ ले तो गग्गर नदी के किनारे है, विशेषता कनिष्क प्रथम व कनिष्क द्वितीय के काल के यहां से जो है संबंधित सिक्के मिले जो पंचमार्क सिक्के हुआ करते हैं, यहां से 105 तांबे की मूर्त सिक्के मिले थे जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें है, और इसके अलावा यहां से गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली, यहां से जले हुए चावल के अवशेष मिले, और घंटे के आकार के यहां से क्या मिले तो यहां से जो है मटके मिले यानी कि घड़े प्राप्त हुए। अगली सभ्यता आपने देखेगा बेटा रेड सभ्यता। रेड सभ्यता के बारे में आपको क्या बात याद रखनी, एक तो स्थल, रेड सभ्यता का स्थल कौन सा है, इस सभ्यता की खोज कब की गई थी, इस सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, यह सभ्यता अपने को किस नदी के किनारे मिली, इस सभ्यता का अपना उपनाम क्या हुआ करता है, ये कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में सेव होना चाहिए कि रेड पढ़ रहे हैं तो रेड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, खोज कब हुई, खोजकर्ता कौन है, नदी कहां है, उद्गम कब हुआ था, ये सारी बातें आपको इस रेड सभ्यता के बारे में याद रखनी है। देखो बेटा स्थल के बारे में पूछे तो रेड सभ्यता कहां पे, अपने निवाई टोंक, निवाई, और निवाई कहां पे हुआ करती है तो निवाई अपने टोंक में। अगर खोज की बात करें तो इस सभ्यता की खोज हुई थी 1963। फिर पूछ ले खोजकर्ता कौन है तो खेज करता है केदारनाथपुरी, के एन पुरी। नदी पूछ ले इसकी कि इस सभ्यता की नदी कौन सी है रेड सभ्यता की, तो इसकी डील नदी, ये बनास की एक सहायक नदी हुई करती है डील नदी, ये डील नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई थी। उपनाम पूछ ले तो इसे कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर, इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्राचीन भारत का टाटा नगर। रेड सभ्यता का क्या नाम है, अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से अपने को ये रेड सभ्यता जानी जाती है, तो रेड सभ्यता का उपनाम क्या हो जाएगा, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं बेटा, इसे प्राचीन भारत का क्या कहते हैं, टाटा नगर के नाम से रेड सभ्यता को जाना जाता है। अब देखो अपने को रेड से क्या क्या मिलता है, इनके बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो लोहे की सामग्री के भंडार मिले, इसके अलावा सिक्कों के सबसे बड़े भंडार मिले, गुप्तकालीन अवशेष मिले, इसमें थोड़े से इस खोज के बारे में थोड़ा ध्यान, 1938 से बेटा। विशेषताएं अगर आपसे पूछ ले कि इस सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, तो यहां से गुप्तकालीन अवशेष मिले, यानी कि अपने को रेड से क्या मिले, गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेन चीज याद रखना कि यहां से हमारे को गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। दूसरी जो इनकी सबसे खास विशेषता है कि इस सभ्यता से जो अपने रेड सभ्यता है, इस सभ्यता से बंदर की आकृति के पात्र मिले, यानी कि यहां से जो पात्र मिले उनकी आकृति कैसी है, तो उनकी आकृति है बंदर की आकृति। इसके अलावा इस सभ्यता पर मथुरा शैली का प्रभाव दिखता है। यहां से क्या मिलते हैं अपने को, मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां से भी प्राचीन लोह सामग्री मिली, यानी यहां से भी अपने को क्या मिले, प्राचीनतम लोहे की सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से, अपने को रेड सभ्यता से, तो रेड सभ्यता से भी अपने को प्राचीनतम लोहे की सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहे की सामग्री के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिलते हैं बेटा, यहां से मिलते हैं। फिर अगर अपन थोड़ा सा इनके बारे में और देखें तो यहां सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, यहां से सिक्कों
का सबसे बड़ा भंडार मिला। यहां सिक्कों का सबसे बड़ा क्या मिला था? भंडार मिला। कितने सिक्के एक साथ मिले? तो लाल सूती वस्त्र में, लाल सूती वस्त्र में एक साथ, लाल सूती वस्त्र में एक साथ 3075 सिक्के मिले, 3075 सिक्के मिले। सबसे ज्यादा जो ना, सबसे ज्यादा आहत सिक्के मिले, सर्वाधिक आहत सिक्के, सर्वाधिक आहत सिक्के मिले। आहत सिक्के कह सकते हैं अपन, या उन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं। उन्हें पंचमार्क सिक्के क्यों कहते हैं? तो इनके ऊपर पांच चिन्ह बने हुए थे। पांच चिन्ह किस किस के बने हुए थे बेटा? तो इस प्रकार समझना अपने को। तो एक तो इस प्रकार मछली के अवशेष मिले, इसके अलावा और किसका अवशेष मिला? तो एक यहां पर इस प्रकार एक सांड के अवशेष मिले बेटा। ये क्या है अपने? सांड। सांड का अवशेष मिला। इसके अलावा और क्या था यहां पे? तो अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। इसके अलावा और क्या मिले? तो यहां से एक पेड़, एक पेड़ के अवशेष। इसके अलावा क्या मिला? तो यहां से मिला एक हाथी। याद रखना बेटा, यहां से किसके अवशेष मिले अपन को? इस प्रकार एक विशाल काय हाथी के अवशेष। ये क्या हो गया? हाथी। यानी आपसे पूछ ले, यहां से जो पंचमार्क सिक्के मिले उनके ऊपर किस किस के चिन्ह मिले हुए थे? तो मछली का चिन्ह था, हाथी का चिन्ह था, सांड का चिन्ह था, इसके अलावा पेड़ का चिन्ह था और अर्धचंद्र का चिन्ह था। अर्धचंद्र। इस प्रकार के हमारे को अवशेष कहां से मिलते हैं? तो इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं अपने को किस सभ्यता से? तो ये सारे के सारे अवशेष मिले अपने को रेड सभ्यता। और रेड सभ्यता कहां पे? अपने को टोक में हुआ करती है। अब छोटी छोटी सभ्यताएं हैं जिनका केवल एक बार मैं नाम लिखता हूं और आपको देखना है कि ये सभ्यता कहां कहां है। एक सभ्यता और बड़ी है जिसके बारे में देख लीजिए, गड़दड़ा सभ्यता। और गड़दड़ा कहां पे है? तो ये है अपने बूंदी। गड़दड़ा सभ्यता कहां पे है? बूंदी। देखो मैं एक बार ऐसे सभ्यताओं के नाम लिख देता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद रह जाएगी। गड़दड़ा सभ्यता, कौन कौन सी छोटी छोटी सी सभ्यताएं हैं? एक तो अपनी गड़दड़ा सभ्यता जो कहां पे है? बूंदी में। कहां पे बेटा? बूंदी में। किस नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे, छाजा नदी के किनारे है। फिर पूछ ले नदी कौन सी है? तो छाजा नदी के किनारे। और यहां से क्या मिले? तो बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य, बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य। यानी कि अपने को जो गड़दड़ा सभ्यता है, गड़दड़ा सभ्यता मिली अपने को बूंदी में। किस नदी के किनारे? छाजा नदी के किनारे। और यहां से किसके साक्ष्य मिलते हैं? तो बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। फिर याद रखनी है अपने को एक नगर सभ्यता, एक याद रखनी आपको नगर सभ्यता। और ये जो नगर सभ्यता है, ये सभ्यता अपने को कहां से मिली? तो ये सभ्यता मिली टोंक। नगर सभ्यता कहां पे है? तो ये है अपने का टोंक में। नगर सभ्यता के बारे में पूछे बेटा, तो याद रखना कि नगर सभ्यता कहां पे? अपने टोंक में हुआ करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है नगर सभ्यता। और नगर सभ्यता कहां पे? अपने टोंक जिले में हुआ करती है। फिर देखो अपने गुरारा सभ्यता, फिर याद रखना अपने गुरारा सभ्यता। और ये गुरारा सभ्यता कहां पे है? तो सिक्कर। कहां पे बेटा? गुरारा, सिक्कर। अगर अपने से पूछ ले गुरारा सभ्यता, गुरारा सभ्यता कहां पे है? सिक्कर में है। और यहां से क्या मिले? यहां से भी अपने को 2744 चांदी के सिक्के, 2744 चांदी के सिक्के, 2744 चांदी के सिक्के मिले गुरारा सभ्यता। और गुरारा सभ्यता कहां पे है? अपने सिक्कर में हुआ करती है। फिर देखो अपने गुरारा के बाद देखिएगा डुंडीकर सभ्यता।
अगली सभ्यता कौन सी हो जाएगी अपने, अगली सभ्यता याद रखना डंडीगढ़ सभ्यता, और डंडीगढ़ सभ्यता कहां से मिली, तो अलवर से। डंडीगढ़ सभ्यता ये नाम पूछे जाते हैं बहुत बार, और डंडीगढ़ सभ्यता अपने को कहां से मिली बेटा, अलवर से। ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इनके केवल नाम पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कोटड़ा सभ्यता, आप पता है आपको कोटड़ा तहसील उदयपुर में, लेकिन ये कोटड़ा सभ्यता उदयपुर में नहीं है। कोटड़ा सभ्यता पूछे तो अपने कोटड़ा सभ्यता कहां पे है, झालावाड़। कोटड़ा सभ्यता कहां पे हो जाएगी बेटा, झालावाड़ में, याद रखना कोटड़ा सभ्यता कहां पे है, झालावाड़ में। फिर अगर आपसे पूछ ले ईसवाल सभ्यता, ईसवाल सभ्यता तो अपने बता देने ईसवाल सभ्यता कहां पे है, तो यह है अपने जयपुर। ईसवाल सभ्यता कहां पे हो जाएगी बेटा, ईसवाल सभ्यता हो जाएगी अपने जयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉरी ईसवाल सभ्यता अपने जयपुर में नहीं, ईसवाल उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता कहां पे होगी बेटा, उदयपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ईसवाल सभ्यता जो कहां पे है अपने, उदयपुर में हुआ करती है। फिर अपने आलनिया सभ्यता, एक सभ्यता और याद रखना आलनिया सभ्यता, आलनिया सभ्यता, और ये आलनिया कहां पे है बेटा, तो ये अपने कोटा में। आलनिया कहां पे है, आलनिया सभ्यता अपने कोटा में है। एक याद रखना भीनमाल सभ्यता, और ये भीनमाल कहां पे है, तो भीनमाल सभ्यता अपने जालोर में। भीनमाल कहां पे है बेटा, जालोर में। अगर आपसे पूछ ले कि भीनमाल सभ्यता कहां पे है, तो अपने बता देना जालोर में। एक याद रखनी अपने को तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, और तिलवाड़ा सभ्यता कहां पे है, तो ये है बाड़मेर। यहां से क्या मिले, तो प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष हमारे को कहां से मिले, तो ये अवशेष अपने को जो मिले वो मिले तिलवाड़ा सभ्यता से। और तिलवाड़ा सभ्यता कहां से मिली अपने को, बाड़मेर से। एक याद रखनी अपने को आर्य सभ्यता, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता। और ये आर्य सभ्यता अपन ने कहां से खोजी, तो श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से कौन सी सभ्यता खोज की गई अपने, आर्य सभ्यता की। आर्य सभ्यता वेरी इंपॉर्टेंट, श्री गंगानगर से खोजी गई थी। तो इस प्रकार अपनी जो है साथियों, एक याद रख लेना तिपट्टिया सभ्यता, एक और याद रख लेना तिपट्टिया सभ्यता, तिपटिया सभ्यता, और ये तिपटिया सभ्यता कहां से मिली, तो कोटा। एक बार आप याद करने का प्रयास कीजिएगा बेटा सारी की सारी सभ्यताओं को। गरदड़ा सभ्यता बूंदी, छाजा नदी के किनारे बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले, यानी पक्षियों के चित्र मिले। नगर सभ्यता टोंक में, ये जो है पहले मालव जनपद, मालव जनपद का क्षेत्र, पहले यहां पर मालव जनपद रहा, मालव जनपद की यह राजधानी रही नगर। गुरारा कहां पे है, तो ये अपने सिक्कर में। गुरारा कहां पे बेटा, सिक्कर में। 2744 चांदी के सिक्के मिले। डडीकर सभ्यता कहां पे है, तो डडीकर अलवर में हुआ करती। कोटड़ा कहां पे है, तो कोटड़ा सभ्यता हमारे कहां पे है, ये ध्यान रखना झालावाड़ में। जबकि कोटड़ा तहसील कहां पे है, तो उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता भी कहां पे है, ये उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता उदयपुर, क्योंकि बहुत सी बार जयपुर कर देते हैं। आर्य सभ्यता श्रीगंगानगर, आर्य सभ्यता श्रीगंगानगर। आर्य का मतलब ऐसे याद करना आर्य हमारे सबसे ऊपर है, तो गंगानगर भी सबसे ऊपर है। तिपट्टिया कहां पे है, तो तिपट्टिया कोटा में, तिपट्टिया कोटा में। और आलनिया कहां पे है, तो आलनिया भी कोटा में। तिपट्टिया कोटा, आलनिया कोटा। भीनमाल तो अपने को पता ही है जालोर में। और तिलवाड़ा कहां पे है, तो तिलवाड़ा अपने को पता ही है बाड़मेर में। तिलवाड़ा कहां पे है बेटा, बाड़मेर में है। इस प्रकार हमारा जो ये सभ्यता वाला टॉपिक है, ये सभ्यता टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है साथियों। सभ्यता टॉपिक के बारे में अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है। सभ्यता टॉपिक आज हमारा पूरा समाप्त इस क्लास के बाद। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे नया, लेकिन वो नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। आज अपन ने यहां से गिलुंड से शुरू किया था, अपने बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा, गिलुंड के बारे में देखा, गिलुंड के बाद बालाथल सभ्यता देखी, बालाथल में अपन ने बहुत सारी विशेषताएं देखी, उसके बाद नौह सभ्यता के बारे में देखा, ओझियाणा के बारे में देखा, ओला सभ्यता देखी, चंद्रावती सभ्यता के बारे में देखा, जोधपुरा सभ्यता देखी, नालियासर सभ्यता देखी, इसके बाद रंग महल सभ्यता के बारे में देखा, रेड सभ्यता देखी, रेड सभ्यता के बारे में, ये पंच चित्रों के बारे में देखा अपन ने, और उसके बाद अपन ने गरदड़ा देखी, नगर देखी, गुरारा देखी, डड्डीकर देखी, कोटड़ा देखी, ईसवाल, आर्य, तिपट्टिया, आलनिया, भीनमाल, तिलवाड़ा, ये सारी की सारी हमारी छोटी छोटी सभ्यताओं के बारे में अपन ने आज की इस सेशन में देखा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।